अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज़ाद वीज़ा के बारे में। और अगर आप आज़ाद वीज़ा एक लेना चाहते हो सऊदी अरबिया का, तो अभी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा पर भी काम कर रहे हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप एक आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपका जो खर्चा होगा वो 2.5 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा पर जाते हो तो वहाँ पर जिस काम का आपका वीज़ा है वो काम आपको आना चाहिए। पहले टेस्ट नहीं होता था, अब आपको टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आप सऊदी अरब में आसानी से आज़ाद वीज़ा में काम कर पाएंगे, चाहे आपका कोई भी काम हो। इसके अलावा पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वो काम जो है आना चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद में आप कोई काम करें उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस काम का आपका वीज़ा है वो काम आपको आना ही चाहिए। ये पहले रूल्स नहीं था, लेकिन अब ये रूल्स लागू कर दिया गया है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जब भी आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो वहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगा जाता है, और यहाँ पर भी कई लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे कि 20,000, 50,000 या 1 लाख दे दिए, लेकिन उनको आज़ाद वीज़ा नहीं मिला। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कहीं से किसी भी जगह वीज़ा लेते हैं तो वहाँ पर जब तक आपका कोई आपस का आदमी ना हो आप आज़ाद वीज़ा ना लें, क्योंकि ऐसी गलती से आपको कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका पैसा डूब सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा लेना ही चाहते हो तो आप जो है वहाँ पर आपका कोई होना जरूर चाहिए। अगर नहीं है तो आप आज़ाद वीज़ा जहाँ तक हो सके वहाँ तक ना लें, एक बार कोई नॉर्मल वीज़ा पर जाएं। तो पहली बात तो हमने आपको बता दिया है आज़ाद वीज़ा के बारे में, जहाँ पर आपको काम आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब में जाते हो आज़ाद वीज़ा पर, या किसी भी कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, आपका कंपनी का आज़ाद वीज़ा होना चाहिए। कई जगह में ऐसा होता है कि बकरी का आज़ाद वीज़ा दे देते हैं, या कोई इस तरह का वीज़ा देते हैं जहां पर आप अपना वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले क्लियर कर लेना है। इसलिए आपको जानकार आदमी से ही अपना वीज़ा लेना है, और भरोसेमंद आदमी से ही आपको आज़ाद वीज़ा लेना है, क्योंकि कई तरह से लोग आपको फंसा सकते हैं और आपका जो पैसा है वो काफ़ी लग जाएगा, लेकिन आपका जो काम है वो उस तरह से नहीं होगा। पहले जैसा नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे ही सारा काम आपका कंप्लीट हो जाता है, आपने 2-3-4 लाख जो भी है लगा दिया, सऊदी अरब पहुंच गए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? कई लोग क्या होते हैं कि सऊदी अरब में गए, 1-2 महीने बाद वापस कर दिए गए। तो ऐसे में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो मान लो आप सऊदी अरब पहुंच चुके हैं आज, और आप जो है अब ये सोच रहे हैं कि हमको काम मिल जाए, उसके बाद जो है हमें टेंशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2-4-10 दिन आराम करना है, देखना है, समझना है। काम तो आपको मिल ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझना है पूरी तरह से। और आप जहाँ से वीज़ा लिए हो ये पहले उससे क्लियर कर लें कि जहाँ से आपने वीज़ा लिया है उसके थ्रू कहीं पर आपका सेटिंग हो 3 से 6 महीने 1 साल का, कि वहाँ पर आप काम करें, ताकि आपको पूरी तरह से जो डाउट हो क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो पुलिस का। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग जाते हैं और दूसरी जगह काम करते हैं, फिर उनको जो है सुरता पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लेता है, फिर उनको उनको देश भेज देता है। तो ये जो है दिक्कत आपको पहले ही सोल्व कर लेना है। कम से कम 3-6 महीने आपको ऐसी सेटिंग से काम करना है जहां पर पुलिस नहीं आती है, या ऐसी जगह ऐसी कंपनी में काम करना है जहां पर कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, लास्ट में हम आपको टिप्स बता देते हैं जिसके माध्यम से आपको सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पर दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने जिससे वीज़ा लिया है उसका नंबर एनी टाइम रखें, इसके अलावा उसका एड्रेस भी रखें कि कहां पर कौन काम कर रहा है। इसके अलावा आप जैसे ही जाएँ तो वहाँ पर आप अपने कपिल के घर का जो एड्रेस है वो क्लियर कर लें, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो उसका मोबाइल नंबर है, या उसके भाई का नंबर है, या उसके घर का नंबर, ये सारी जानकारी आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप क्या करें कि ऐसी काम करें कुछ दिन जहाँ पर आपको पुलिस ना पकड़े, फिर आप जो है 1-2 साल काम करें,
या 6 महीने काम करें या 1 साल काम करें, फिर उसके बाद में कहीं भी काम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको लगभग सभी चीजें नॉलेज हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का नंबर दिया गया है, आप उसके थ्रू भी किसी भी तरीके का वीजा ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।